भी हम बाहर होते हैं तो हर जगह पे हर वक्त हमारे पास हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग आजकल ये हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड हैंड सैनिटाइज़र आप घर पे कैसे बना सकते हैं। बाज़ार में जा रहे हैं तो बहुत महंगे सैनिटाइज़र आपको मिल रहे हैं, तो इसे आपको इतना महंगा मार्केट से ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही ये सैनिटाइज़र तैयार कर सकते हैं और ये उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना मार्केट का सैनिटाइज़र आपका इफ़ेक्टिव होता है। ये सैनिटाइज़र भी 99% जम्स फ्री है, ये जम्स को 99% किल कर देता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसे आप रविंग अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ये 99% जम्स फ्री होती है, 99% प्योर है, तो ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आप इसे मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या आप इसे मार्केट में आप सर्च करेंगे तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगी, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और तीसरी चीज़ है हमारे पास एलोवेरा जेल, ये भी सबके घरों में आसानी से उपलब्ध होता है। अगर ये जेल नहीं है तो फ्रेश लीव अगर आपके पास है तो आप इसके साइड्स को कट करके इसका जेल निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे पास ग्लिसरीन। तो हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है रबिंग एल्कोहल, ये आप इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगी और इससे बहुत सारा आप सैनिटाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ले रहे हैं हम रबिंग एल्कोहल। एक कप हम इसे कप के मेज़रमेंट से ही डालेंगे, एक कप ले लेते हैं पूरा और इसको हम डाल लेते हैं बाउल के अंदर। और इसके साथ हम इसमें डालते हैं एलोवेरा जेल। मैंने जैसे आपको बताया एलोवेरा जेल नहीं है तो आप फ्रेश लीव से एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है बजाय इसके जो कि हम जेल कॉस्मेटिक जेल यूज़ कर रहे हैं। ये भी प्योर जेल होता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप वो वाला जेल यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रही हूँ। एलोवेरा जेल में अपनी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इसमें एसेंशियल ऑयल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी बहुत अच्छा काम करता है, सिर्फ खुशबू के लिए डाला जाता है एसेंशियल ऑयल इसमें, तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ किया है तो उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इसमें खुशबू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप फ्रेश लीव का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कोई भी खुशबू वाला ऑयल डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे ग्लिसरीन डाल रहे हैं। ग्लिसरीन हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे हमारे हाथ अच्छे से मॉइस्चराइज रहें, हमारे हाथों में नमी बरकरार रहे। तो ग्लिसरीन हमारे हाथों में नमी रखेगी, नमी बरकरार रखेगी, उसका काम करेगी, तो ग्लिसरीन आप ज़रूर ऐड करें। ग्लिसरीन नहीं है तो कोई भी आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप बादाम का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है, ये मिनरल वाटर है, आरओ वाटर यूज़ करना है आपको। अगर आरओ वाटर नहीं है तो पानी को गर्म करके और उसके बाद ठंडा करके यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे 4थी चीज़ पानी ऐड करी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पानी आप यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ कर लिया है, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने लिया है। तो ये हमारा हैंडमेड सैनिटाइज़र बनके रेडी हो गया है। और इस तरह की कोई खाली बॉटल अगर आपके पास पड़ी है, ये मेरे पास रोज़ वाटर की खाली बॉटल है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धूप में सुखा लिया है, और उसके बाद में इसमें ये हैंड सैनिटाइज़र भर के रखूँगी। कोई भी स्प्रे बॉटल हो आपके पास, डिटॉल की खाली बॉटल हो उसमें आप भर के रख सकते हैं, तो इसको आप इस बॉटल में भर के रख लें और आप इसे अपने साथ कैरी करें जहाँ भी जा रहे हैं बाहर। आप जैसे हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे आप अपने हाथों पर स्प्रे करें और रब करें और आपके हाथ बिल्कुल 99% जम्स फ्री हो जाएंगे। आपको मार्केट से महंगे सैनिटाइज़र ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल मार्केट में हैंड सैनिटाइज़र मिल भी नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। 400-500 की रेंज में आपको हैंड सैनिटाइज़र ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ये 10 रुपये के अंदर आपका हैंड सैनिटाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। एलोवेरा जेल सबके घरों में होता है, रबिंग एल्कोहल आपको मंगाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ग्लिसरीन भी होगा। ग्लिसरीन नहीं है तो कोई भी ऑयल यूज़ कर लें आप, खाने वाला कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर आप कोई भी
बादाम का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बॉटल में भर के रख लिया है, बाकी का बचा हुआ भी मैं एक बॉटल में भर के रख लूँगी। इस तरह से हमारा ये हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो आप किसी भी खाली बॉटल में से भर के रख लें, आपके हाथों को 99% जर्म्स फ्री करेगा। जैसे मार्केट का सैनिटाइज़र काम करता है, बिल्कुल उतना ही इफ़ेक्टिव आपका ये सैनिटाइज़र बन के रेडी होगा। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा हाइजीनिक रहना है, अपने हाथों को जर्म्स फ्री रखना है। तो ये देखिए, मैं हाथों पर यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ ये कितना इफ़ेक्टिव है। जैसे आप बाहर का सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी वर्क कर रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आपके हाथ एकदम जम्स फ्री हो जाएंगे। तो आप इस हैंड सैनिटाइज़र को ज़रूर बनाएं और मार्केट के महंगे सैनिटाइज़र ख़रीदने से बचें, क्योंकि वो मिल भी नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। इसलिए आप अपने बचाव के लिए घर पे ही सैनिटाइज़र बनाएं और हर तरह के जम्स और वायरस से दूर रहें। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। And thanks for watching this video.